हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ फिरदौस खानम फ्रॉम पीसीसीबी डिवीजन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। और हम अपना मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर जो है वो उसको हम जो है पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर हमने अभी तक मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी किया। दैन उसके बाद हमने देखा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज़ के बाद हमने मेटल्स के जो यूजेज़ हैं एंड नॉन मेटल के जो यूजेज़ हैं उनको डिस्कस किए। अब हमारा जो लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है किससे रिलेटेड, कोरोजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा कोरोजन। कोरोजन जो है मेटल के लिए या मेटल के साथ होने वाली एक ऐसी फिनोमिना है जिसके थ्रू क्या होता है, कुछ ही एक मेटल्स एकाध मेटल्स होंगी जो जिनको इन कोरोजन से नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि जो मैक्सिमम मेटल्स जो हैं वो क्या करती हैं, कोरोजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। उसमें से एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा आयरन, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा आयरन को अगर हम अपनी छत पर खुला छोड़ दें तो होगा ये कि एक या दो साल के बाद वो जो है एक ब्राउन कलर के पाउडर में कन्वर्ट होकर के गिरना स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स अब वो यूजेबल बिल्कुल भी नहीं रहेगा, वो काफ़ी वीक हो चुका होगा। किसी भी तरह से हम उसको अगर सपोर्ट देकर भी खड़ा करने की कोशिश करें तो वो टूटना स्टार्ट कर देगा। अगर आपका कूलर है पुराना कूलर तो उसमें होल हो जाएगा, है ना, जिसमें पानी का वाला जो टब होता है उसके अंदर। तो जो कोरोजन है डेस्मिस मेटल को पूरी तरह से ही ख़त्म कर देता है ना। लेकिन कुछ मेटल्स हैं जिनके ऊपर इसका इफेक्ट धीमे होता है या बहुत कम होता है, जो उनसे इफेक्टेड नहीं होती, मतलब इफेक्टेड होंगी तो सिर्फ उनके ऊपर वाली लेयर ही डिस्ट्रॉय होगी, पूरी मेटल्स को इससे नुकसान नहीं पहुँचता। बट आयरन को हम देखते हैं रस्टिंग एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके थ्रू आयरन से बने हुए जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोरोजन होता क्या है। तो कोरोजन जो है एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होगा, जो मेटल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसके अंदर, अनडिजायरेबल सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। और ये अनडिजायरेबल सब्सटेंस क्या करता है, हमारे लिए किसी भी तरह से यूजफुल नहीं होता, ये मेटल को नुकसान ही पहुँचा रहा होता है, ठीक। तो दैट मीन्स हम एक अनादर वर्ड में अगर इसको डिस्क्राइब करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कोरोजन जो है वो स्लोली 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 ईटिंग अप ऑफ होता है मेटल्स को, मतलब ये जो प्रोसेस है ये फास्ट प्रोसेस नहीं होते हैं, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और इन प्रोसेस को कंडक्ट होने के लिए एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट जो गैसेज हैं उसमें से मेनली जो ऑक्सीजन है और जो मॉइस्चर है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कोरोजन जो है इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं, पहले हम यहाँ पे एक छोटी सी मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लें ताकि हम एक साथ दो टॉपिक को कवर कर पाएँ, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कोरोजन की। तो इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस बाय विच मेटल्स ट्रांसफॉर्म्ड इंटू अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो क्या क्या बोल सकते हैं अनडिजायरेबल सब्सटेंस को, रस्ट जिसमें से एक है रस्टिंग आयरन, ठीक है। तो जो रस्टिंग आयरन है उसमें किसका फॉर्मेशन होता है, ब्राउन कलर के फ्लकी सब्सटेंस का, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। फॉर द एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि रस्ट वो सब्सटेंस कौन सा होता है, रस्ट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी मेटल्स हैं जिनका कोरोजन होगा, ठीक है। तो रस्टिंग का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कोरोजन है इसको अनादर वर्ड से मैंने आपको क्या कहा था, इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो क्या होगा, स्लोली। इसका मीनिंग क्या होता है कोरोजन का, स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोरोजन जो है वो हो किस किस के अंदर आए। तो कोरोजन जो है वो किस किस मेटल्स के अंदर होगा, मेनली हम यहाँ पे बात करते हैं कोरोजन होता है किसके अंदर, आयरन के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे इसमें कोरोजन किसके अंदर होगा, कॉपर में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर सिल्वर की, द
देन हम बात करेंगे यहाँ पर एल्यूमिनियम की। ठीक, इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया बिकॉज इसका कोरोजन जो है इसको कुछ अलग ही इफेक्ट देगा। अब क्या इफेक्ट देगा वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक, तो फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कोरोजन ऑफ आयरन। तो आयरन की, कोरोजन ऑफ आयरन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो कोरोजन ऑफ आयरन को हम जनरली क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर होता क्या है, आयरन की जो रिएक्शंस है वो किसके साथ हो जाती है, मॉइस्चर के अंदर प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है, ठीक, और जो मॉइस्चर है, इन दोनों की कॉन्टेक्ट में आने से आयरन क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है। ठीक है, तो जनरली जो कोरोजन ऑफ आयरन है वो क्या होता है, इट इज़ ए ऑक्सीडेशन, इट इज ए ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इनटू फ्लकी ब्राउन सब्सटेंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन तो हो रहा है लेकिन साथ में कौन प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। ठीक, तो इन दोनों के मिलने की वजह से क्या होगा, ब्राउन सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि अगर हम इसको, आप ये सोचो अगर इन दोनों में से कोई भी एक मिसिंग होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि उसके अंदर हमने क्या किया, एक हमने एक छोटा सा बर्तन लिया, बर्तन के अंदर हमने क्या कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको हमने एयर टाइट कर दिया, दैट मीन्स इसके अंदर हमको, हमने आयरन की नेल उसके अंदर डाल दी और इसको पूरी तरह से बंद कर दिया, ऑक्सीजन को उसके अंदर हमें एयर में से जाने की नहीं देना है। ठीक है, होगा क्या, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँची तो जो रस्टिंग है वो नहीं होगी, दूसरी बार में हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, बिल्कुल वाटर मॉइस्चर को हमको जाने से रोकना है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ एयर के कांटेक्ट में डाल दिया है ना, एक वापस से बंद किसी कंटेनर के अंदर रख दिया और उसके अंदर मॉइस्चर को बिल्कुल भी जाने नहीं दिया, कंटिन्यूस हमने इसके अंदर इसको क्या कर दिया, किसी भी प्रोसेस के थ्रू, हीट के थ्रू या वैक्यूम पंप के थ्रू हमने इसको, मतलब अंदर हीट जनरेट करी और मॉइस्चर को पूरी तरह से सुखा दिया और उसके अंदर फिर हमने इसको अंदर जो है आयरन नेल्स को डाल दिया। तो हम देखेंगे होगा क्या कि वहाँ पर जब मॉइस्चर नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, तो भी इसका जो है रस्टिंग नहीं होगी। दैट मीन्स रस्टिंग होने के लिए असेंशियल जो है कंपाउंड, असेंशियल जो सिचुएशन से या कंडीशन से वो क्या क्या होती है देखो, तो असेंशियल जो कंडीशन है इसके लिए क्या चाहिए, जो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है इसके लिए क्या चाहिए रस्टिंग के लिए, फर्स्ट हमको यहाँ पर चाहिए मॉइस्चर, एयर या मॉइस्चर की बात कर लें हम, दूसरी हमको क्या चाहिए होती है ऑक्सीजन। इन दोनों में से अगर कोई भी एक एब्सेंट है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो रस्टिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो असेंशियल जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या होंगी, रिक्वायर्ड कंडीशन या असेंशियल जो मटेरियल सही, असेंशियल जो सब्सटेंस सही, जो कंडीशन है वो हमारे पास ये दोनों होंगी। अब हम देखते हैं कि रस्टिंग जो हो रही है तो इसके अंदर क्या रिएक्शन हो रही है। देखो यहाँ पर जो आयरन है, ये क्या है हमारे पास आयरन, हमने इसको जब इसको बैलेंस किया तो ऑक्सीजन बैलेंस हमको होकर ये मिली, जो मॉलिक्यूल है वो एक्स मॉलिक्यूल ऑफ, एक्स का मतलब है अनकाउंटेबल मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, सॉरी वाटर है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है। अब इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, यहाँ पर वाटर से, तो बनने वाला जो सब्सटेंस है वो क्या बनेगा, हमारे पास बनने वाला सब्सटेंस बनेगा हमारे पास हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब वो क्या होता है, वो होता है ये Fe2O3.XH2O, ये होगा हमारे पास हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक, अब ये जो डॉट है, इस डॉट का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पर जो रिएक्शंस हुई है, इन तीनों के बीच में रिएक्शंस हुई है, डॉट का मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल ने फेरिक ऑक्साइड के साथ किसी भी तरह से कोई बॉन्ड नहीं बनाया है, बल्कि वो क्या हो गया, इस फेरिक ऑक्साइड के साथ ट्रैप हो गया है। जिस तरह से अगर आप देखो घर के अंदर, अगर हम आइस को जब
जमा रहे होते हैं, तो आइस में अगर कुछ कचरा वगैरह गिर गया गलती से, तो जब वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन हो जाएगा, सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको उसके अंदर वो जो इम्प्यूरिटीज गिरी है, कचरा है, जो भी गिर गया है, वो साफ साफ दिखाई देगा। तो दैट मीन्स ट्रैप हो गया उसके अंदर। उसी तरह से यहाँ पे डॉट जो है ये किस चीज़ को बताता है कि यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल इसके साथ ट्रैप हो गए और क्या बन गया, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है। और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्राउन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है हमारा, ये कौन सा प्रोसेस है, रस्टिंग प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि रस्टिंग प्रोसेस से प्रिवेंशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं। ठीक, तो हम अपना नेक्स्ट हमारा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, प्रिवेंशन मेथड फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मेथड, मेथड्स बोल देते हैं, फ्रॉम रस्टिंग। ठीक, तो प्रिवेंशन मेथड फ्रॉम रस्टिंग की अगर हम बात करें, तो सबसे बेस्ट जो कॉमन मेथड आप हमेशा यूज़ करते हो, घर के जो गेट वगैरह हैं या फिर जो पुरानी विंडोज़ हैं उनके जो फ्रेम्स वगैरह होते हैं, या जनरली हम देखें जो विंडोज़ वगैरह हैं उनके फ्रेम जो है वो आयरन से बने हुए होते हैं, या घर के बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आयरन से ही मेटअप अप होते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जब ये आयरन से बने हुए तो हमें इनके ऊपर सबसे पहले क्या करना होता है, रेड ऑक्साइड। ठीक, रेड ऑक्साइड के बाद हम इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, इनके ऊपर पेंट कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, ऑयलिंग इनको कर देते हैं। उससे होगा क्या, जब ये टाइट हो जाते हैं तो जब खुलता नहीं गेट ठीक से, है ना, उनके फ्रेम टाइट हो जाते हैं तो ऑयलिंग उसके ऊपर कर दी जाती है। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज वहाँ पर रस्टिंग होना स्टार्ट हो गई होगी, उसकी वजह से क्या होगा, वो टाइट हो गया, है ना, होनी क्या होगी, स्टार्ट होगी, मतलब हो ही जाती है ना। उसको रोकने के लिए स्टार्टिंग से हमको क्या कर देना चाहिए, उनके ऊपर पैंट वगैरह करके उनको हमको सेफली रख देना चाहिए। ठीक, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारी रस्टिंग की, तो फर्स्ट मेथड क्या होता है, क्या करेंगे हम, इनको पैंट कर देंगे या फिर वार्निश, या फिर हम क्या लगा देंगे, इनको ग्रीस कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये प्रिवेंट हो जाएगा रस्टिंग से। ठीक है, सेकेंड मेथड हमारे पास क्या होता है कि हम इस आयरन के ऊपर किसी अनादर जो मेटल है जो आयरन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, उस मेटल की हम क्या कर दें, यहाँ पर कोटिंग कर दें। ठीक, होगा क्या, वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जैसे ही ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करने आएगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है जब रिलीज करने वाला होगा, क्योंकि मेटल्स हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके पहले इससे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके आयरन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगी, वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और वो ऑक्सीजन इसके पास, इसके सरफेस तक, किसकी सरफेस पर, आयरन के सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो एक मेथड ये होता है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि आयरन को हायर रिएक्टिव मेटल के थ्रू कोटेड कर देंगे, जिससे कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन ना कर पाए और वो सेफली रहे। तो ये जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम, सेकेंड प्रोसेस है हमारा गैल्वेनाइजेशन। ठीक, और गैल्वेनाइजेशन के अंदर हम यहाँ पर कौन से मेटल का यूज़ करने वाले हैं, जिंक का, जिंक का, जिंक का क्या सिंबल होता है, Zn। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, आयरन इज कोटेड फ्रॉम हायर रिएक्टिव मेटल देन आयरन। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, गैल्वेनाइजेशन, जिसमें जिंक की कोटिंग हम करेंगे। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास, इसी के अंदर हम सेकेंड हम बोलते हैं टिन की कोटिंग, हमें कहते हैं इसको टिन कोटिंग में क्या करेंगे हम, फर्स्ट हमने कोटिंग मैटर पढ़ रहे हैं हम, तो फर्स्ट कोटिंग हमने किसकी की, जिंक की, तो जिंक मेनली जिंक की ही कोटिंग होने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। थर्ड हम इसको चाहे अलग से लिख लेते हैं, थर्ड क्या होगा हमारे पास, टिन कोटिंग। टिन कोटिंग में भी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो मेटल है टिन, ठीक है, इस टिन की कोटिंग, ये होता है टिन। ठीक है, टिन की कोटिंग कर दी जाती है, सेम वही होगा, टिन भी क्या काम करेगा, आयरन को ऑक्सीडाइज होने से बचा लेगा, पहले खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा और आयरन को ऑक्सीडाइज होने से बचा देगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने बोला टिन कोटिंग। ठीक, टिन कोटिंग के बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ नंबर पे किसका फॉर्मेशन कर देंगे हम, अलॉय का फॉर्मेशन करेंगे, इसको हम बोलते हैं अलॉइंग।
अलॉय के अंदर हम क्या करते हैं कि एक या एक से ज़्यादा जो मेटल्स होती हैं इनको एक इनका होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करते हैं। होमोजीनियस दैट मीन्स जब ये मिक्सचर बन चुका होगा तो हम वहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते इसको देख करके कि कौन से मेटल कितनी ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंट है, कौन कहाँ पर हमें दिखाई नहीं देगी इजीली। जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर है, एयर कैसा मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है कि नहीं होता, जिसके अंदर सभी गैसेज जो होते हैं यूनिफॉर्मली तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्सअप रहती हैं, है ना। वो वहाँ पर एक सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट की बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सॉल्वेंट है जिसके अंदर अनादर जो गैसेज है वो सॉल्यूट की तरह मिक्स हो गई और एक होमोजेनस मिक्सचर का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक वैसे ही अलॉय के अंदर जो है हम क्या करेंगे, बहुत एक से ज़्यादा मैटर्स को मिला करके एक यूनिफॉर्म मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको अलॉय कहते हैं। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो वो होता है स्टेनलेस स्टील। बहुत ही कॉमन अलॉय है जिसको आप घर में यूज़ करते हो। और ये स्टेनलेस स्टील किन कौन कौन सी मेटल से मिलकर बनी होती है, आयरन, क्रोमियम एंड निकल से बनी हुई होती है। तो मेनली अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये अलॉय किसकी है, आयरन की। इस आयरन को हमें क्या करना था, इस आयरन का यूज़ हम घर में यूटेंसिल बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक अब ये यूटेंसिल जो है अगर वो कंप्लीटली आयरन से ही मिलकर बने हुए प्योर आयरन अगर वो हुआ तो होगा क्या, ये रस्ट कर जाएगा और रस्टिंग हमारे लिए क्या हो सकती, काफ़ी डेंजरस होगी। ठीक है तो इसको हम इसके अंदर बने हुए खाने को देर तक नहीं रख पाएंगे, जितनी बार धोएंगे ये उतनी ही बार गलता चला जाएगा। तो इसको हमें, और जो आयरन होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है ना, प्योर आयरन की अगर हम बात करें तो सॉफ्ट होगा, उसको हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट करना इजी नहीं होगा। तो इसको हार्डनेस देने के लिए और रस्टिंग प्रोसेस से बचाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें हम इसके अंदर फर्दर जो मेटल्स हैं उन फर्दर मेटल्स को इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक तो हमने क्या करा, आयरन के अंदर हमने आयरन, क्रोमियम और निकिल को ऐड कर दिया, जिससे क्या चीज़ मिली, इसकी हार्डनेस बढ़ गई और ये रस्टिंग होने से परमानेंटली बच गया, अब ये बिल्कुल भी रस्ट नहीं होगा। अनादर जो अगर हम अलॉय की बात करें तो आपने सुना होगा ब्रोंज एंड ब्रास। ठीक है ब्रोंज एंड ब्रास जो होती है, ब्रास जो आपके पैन है, पैन का जो पॉइंट होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, वो ब्रास अलॉय होती है। ठीक है जिसके अंदर कॉपर जिंक एंड टिन का मिक्सचर ही होता है। ठीक तो इस तरह से जो अलॉय है, अलॉय के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि मोर देन टू मेटल्स को लेकर के हम उनसे होमोजेनस मिक्सचर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंटी रस्ट जो सॉल्यूशन है उसका यूज़ करेंगे। एंटी रस्ट सॉल्यूशन हम इसके ऊपर लगा दें टाइम टू टाइम तो क्या होगा, हमारे आयरन के जो ऑब्जेक्ट से वो खराब होने से बच जाएंगे। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें, बड़े बड़े जो हमारे जो पूल्स वगैरह जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, आयरन से बने हुए होते हैं। मैक्सिमम बड़े जो समुद्र में तैरने वाले जहाज हैं, है ना, बड़े बड़े पूल हैं, वो ब्रिजेज हैं, ये ब्रिज वगैरह सब किसके बने हुए, आयरन के बने हुए। इसके लिए हमने यहाँ पर अलॉय का यूज़ तो किया ही है, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो कम्प्लीटली आयरन से मेटल ब्रिज है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एंटी रस्ट सॉल्यूशन है उसका फॉर्मेशन करें, उसका जो लैप है उसका जो हम उसको ग्रीस कर देंगे उससे, तो होगा क्या, वो जो फर्दर जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा और रस्ट होने से बच जाएगा। तो एंटी रस्ट सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे एंटी रस्ट सॉल्यूशन हमारे पास किसका यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एल्केलाइन फॉस्फेट का। ये एल्केलाइन फॉस्फेट क्या काम करेगा, ये आयरन को रस्टिंग होने से, दैट मीन ऑक्सीडाइज होने से बचा देगा। ठीक है अब हम बात करते हैं आयरन के अलावा जो फर्दर जो मेटल्स हैं जिसके अंदर रस्टिंग हो रही थी, हम नेक्स्ट मेटल लेंगे हमारी कॉपर। ठीक तो हमारा सेकंड है कोरोजन ऑफ कॉपर। अब देखो कॉपर के साथ होता क्या है कि इसमें ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन नहीं करती, जबकि ये जो एनवायरनमेंट के अंदर CO2 जो गैस है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस प्रेजेंट है उससे भी रिएक्शन कर जाती है और फॉर्मेशन कर देती है यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कॉटेड सब्सटेंस का। ठीक
वो ग्रीन कलर का कॉटेज जो सब्सटेंस है वही क्या होता है, कॉपर की रस्ट होती है, ठीक। और उससे बनने से क्या होगा कि जो कॉपर है वो कोरोड होता जाता है। लेकिन ये जो है कोरोजन, इसको हम क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद होगा क्या, कॉपर इससे पूरी तरह से डैमेज नहीं होगा, लेकिन टाइम टू टाइम ये बार बार ये जो प्रोसेस है वो होता चला जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन लिख कर देखेंगे कि जो कॉपर है वो किस किस से रिएक्शन करता है। यहाँ पर देखो, कॉपर रिएक्ट विद CO2, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, देन कन्वर्टेड इंटू हाइड्रेटेड बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक। अब ये होता क्या है, इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो कॉपर है, इस कॉपर की रिएक्शन होगी किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, मॉइस्चर। मॉइस्चर में कौन होगा, वाटर। सबसे पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं, ये है हमारा कॉपर, ठीक। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है हमारी ऑक्सीजन, और ये है वाटर। ये तीनों चीज़ें हमको कहाँ से मिली है, जो एयर है वहाँ से ये ऑप्टेन होगी। तो एयर के जो प्रेजेंट जो ये मॉइस्चर्स है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इनसे रिएक्शन करेगा कॉपर। कॉपर कैसा है, सॉलिड, ये कैसे स्टेट में, गैसेस, गैसेस को हम स्मॉल जी से डिफाइन करेंगे, और ये वाटर है, दैट मींस लिक्विड। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, बेसिक, दैट मींस कॉपर हाइड्रोक्साइड, एंड ये बना हमारे पास कॉपर कार्बोनेट। फिर से लिखती हूँ, तो इस तरह से हमारे पास क्या बना, हाइड्रेटेड बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कैसे कलर का होगा ये, ग्रीन इन कलर का, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारी जो मेटल है किसका कोरोजन देखेंगे हम, कोरोजन ऑफ सिल्वर। अब देखा होगा आपने सिल्वर जो है काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी यूज ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरीज में यूज़ होने वाली काफ़ी एसेंशियल मेटल ये होती है। इसकी शाइन बहुत सुंदर होती है ना, लेकिन क्या होगा जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते हैं धीरे धीरे ये काली ब्लैक होना स्टार्ट कर देती है। अभी ब्लैक हो क्यों रही है, ठीक है। इसका ब्लैक होने का रीज़न क्या होता है, जब सिल्वर जो है ये इसका सिंबल होता है सिल्वर का, सिल्वर जब एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट H2S गैस, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कांटेक्ट में जब आएगी तो किसका फॉर्मेशन करेगी, ये सिल्वर सल्फाइड का, सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा, और साथ में रिमूव होगी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, ये है हमारी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि बनने वाला जो सब्सटेंस है सिल्वर सल्फाइड, ये होता है ब्लैक कलर का, और इसके बनने की वजह से जो हमारी सिल्वर है वो कैसी हो जाती है, टर्निश हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, ठीक है। तो जो कोरोजन ऑफ सिल्वर है उसके लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं हमारी लास्ट जो मेटल्स हैं, कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम की बात अगर हम करें तो ये जो कोरोजन है एल्यूमिनियम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, बिकॉज ये क्या करता है,
लास्ट जो हमारा है फोर्थ नंबर पे कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, यहाँ पर हम इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। मेटल की बात करें, ठीक है, तो एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, ठीक। तो एल्यूमिनियम जो है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है Al2O3 का, जिसको क्या बोलते हैं हम एल्यूमिना, ठीक। अब ये एल्यूमिना क्या करता है, एल्यूमिनियम जो है उसको और भी ज़्यादा हार्डनेस देता है और साथ में क्या होगा, इसको फर्दर फिर से ऑक्सीडाइज होने से बचा लेगा, ठीक है। वैसे भी जो एल्यूमिनियम है अगर नेचर के अंदर जो प्रेजेंट होती है वो एल्यूमिना के फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है, जिसमें से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। तो एल्यूमिनियम के लिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना क्या होता है, इसके लिए बेनिफिशियल होता है, यूजफुल होता है, बिकॉज होता क्या है, ये इसको और भी ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये है तो कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक। आपने देखा होगा जब हम यूटेंसिल जब लेकर आते हैं एल्यूमिनियम के, जब प्रेशर कुकर वगैरह जिसमें खाना बनाते हैं, स्टार्टिंग में वो बहुत ही ज़्यादा शाइन से दिखाई देते हैं, जैसे कि हमने स्टील वगैरह का यूज़ किया, बट जैसे जैसे हम उसको यूज़ में लेंगे मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में वो आएगा तो वो डल हो जाता है ना। तो डल वो क्यों होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, और ये एल्यूमिनियम की लेयर क्या करेगी, फर्दर जो ऑक्सीजन है इसको रिएक्शन करने से बचाएगी, और रिएक्शन करने से बचेगा तो पूरा एल्यूमिनियम जो है वो ख़राब होने से बच जाएगा। दैट्स वाई हम जितनी बार चाहे उतना एल्यूमिनियम को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अब वो फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा और अदर मेटल्स की तरह एक हार्मफुल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम और बहुत सारी कोरोजन ऑफ सिल्वर, कॉपर और आयरन के बारे में पढ़ा था, किस तरह से जो है कोरोजन उसमें होता है। तो सिर्फ हमारे पास जो एल्यूमिनियम है वही ऐसी है जिसके लिए कोरोजन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। जितनी ज़्यादा रिएक्टिव्स होती है मेटल्स, उतना ही मॉइस्चर की एयर और गैसेस के साथ रिएक्शन करती है और कोरोड हो जाती है। दैट मीन्स सभी मेटल्स जो हैं वो जनरली कोरोजन शो करेंगी, है ना। किसी का कोरोजन हमको ज़्यादा विजिबल होगा और किसी का कम होगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने सब कुछ आज यहाँ पर पढ़ लिया। तो आप आगे भी इस चैप्टर को पढ़ें और इसको अच्छे से समझें, ठीक है। थैंक यू सो मच।